आईसीसी T20 विश्व कप में जिस मुकाबले का इंतजार फैंस को था वो आज होने वाला है। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच टक्कर देखने की चाहत पूरी होगी। टीम इंडिया का पलड़ा हर बार की तरह इस बार भी भारी नजर आ रहा है। पिछली बार टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर बेहद रोमांचक जीत दर्ज की थी। इस बार बाबर आजम की टीम पहले ही मैच में अमेरिका के खिलाफ उलटफेर का शिकार हो चुकी है। अब भारत से अगर वो हारी तो बाहर होने की कगार पर पहुंच जाएगी। भारत के खिलाफ आईसीसी T20 मैच वैसे ही करो या मरो का होता है, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान की सांसें ही अटकी हैं। अपने पहले मैच में अमेरिका से हारने के बाद अब उसकी पूरी उम्मीद ऐसे मैच पर आ टिकी है जिसे हमेशा ही कांटे का माना जाता है। भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तान की टीम को जीत मिली तो ठीक है, वरना उसका टूर्नामेंट से बाहर जाना लगभग तय हो जाएगा। इस मुकाबले के लिए बाबर आजम पहले मैच की प्लेइंग 11 में दो बदलाव कर सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर में टीम को हार मिली थी। बल्लेबाजी में टीम भारत के खिलाफ और मजबूत होकर उतरना चाहेगी। दो बल्लेबाजी के विकल्प टीम के पास मौजूद हैं। माना जा रहा है कि कप्तान इसे जरूर भारत के खिलाफ लेकर उतरेंगे।